चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। एक बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स में अल्लाह लिखते हैं। से एक दिन कबल और ईद के दिन हम एक जैसे होते हैं, जहां हम रमजान से एक दिन पहले खड़े थे, ईद के दिन भी हम वहीं खड़े होते हैं। तो फिर एक महीना इतनी तवील मेहनत की और मुशक्कत उठाई, भूख और प्यास काटी, तो फिर क्या फायदा हुआ? आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे दवाई लेते हैं और महीना भर उसको इस्तेमाल करते हैं और महीने के बाद आप टेस्ट करवाते हैं तो जहां थी बीमारी वहां की वहां रही। तो फिर दो बातें हैं, या तो डॉक्टर ने दवा ठीक नहीं दी या फिर आपने दवाई के साथ परहेज नहीं किया और जहां थे वहीं के वहीं खड़े रह गए। तो डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे तो वो कहेगा, जनाब इस बीमारी से निजात तो एक महीने के कोर्स से हो जाता था, तो आपको आराम क्यों नहीं आया, आपने परहेज नहीं किया। तो आप उसको कहेंगे, जनाब हम दोबारा मुझे एक कोर्स और करवा दें, लेकिन परहेज मैंने फिर भी नहीं करना। तो डॉक्टर कहेगा कि नहीं जनाब छुट्टी करो, अगर दवाई लेनी है तो उसके साथ जो एहतियाती तदाबीर मैं बताऊंगा उनको इख्तियार करना होगा। लेकिन अगर कोई शख्स फिर दूसरा महीना खाता है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करता और फिर डॉक्टर के पास जा कहता जनाब आराम नहीं आया, तो डॉक्टर फिर उसको कहे चलो दोबारा ले लो, तो वो तीसरे महीने भी खाए, चौथे महीने भी खाए, सारी जिंदगी भी खाता रहे, एहतियाती तदाबीर नहीं करेगा तो जहां सेहत थी वहीं की वहीं रहेगी। माह सियाम आया, पूरा महीना दवाई ली और ईद के दिन जब टेस्ट करवाया तो जहां थे वहीं खड़े थे। या तो फिर दवाई ठीक नहीं है, मेरे रब की दवाई किस तरह ठीक नहीं हो सकती? जब उसने कहा है लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोजे रखो मैं जमानत देता हूं तुम्हें तकवा मिलेगा, तो फिर तकवा नहीं मिला है तो फिर हमने रोजे की एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं किया है। और इतनी तवील मसाफत काटी है, मुशक्कत काटी है, भूख काटी है, प्यास काटी है, लेकिन अगले साल हम फिर आए तो हम फिर उसी तरह वो मुशक्कत काटने लगे और एहतियाती तदाबीर हमने फिर इख्तियार नहीं की। तो साहिबो ये माह सियाम जिंदगी में एक बार फिर आया है, इसको एहतियाती तदाबीर के साथ गुजारो। मल्लम यदा कौल जूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी यदा तामहु व शराबहु, कहा जो झूठ और झूठे उमूर और काम नहीं छोड़ता उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई जरूरत रब को नहीं है। वो रोजे के जरिए से तुम्हारी तहजीब नफ्स करना चाहता है, तुम्हारे मन को संवारना चाहता है, तुम्हारे अंदर की गलासतें दूर करना चाहता है, लेकिन तुम उसको एहतियाती तदाबीर के साथ लेने के लिए आमादा नहीं हो। तो काटते रहो, हर साल मुशक्कत काटते रहो, 40 साल 45 साल 50 साल हो गए रोजे रखते, हर साल ये होता है कि 29 शाबान को जहां खड़े होते हैं यकम शाबान को भी वही खड़े होते हैं, तो फिर क्या फायदा इतनी मुशक्कत उठाने का। तो माह सियाम जिंदगी में हमें एक बार मिला है, एक बार जरा इसको एहतियाती तदाबीर के साथ गुजार के देखिए तो आप देखेंगे कि ये रोजा किस तरह मन के अंदर रोशनियां डाल देता है और किस कदर तकवे का नूर नसीब होता है। तो जिंदगी में इस माह नूर माह सियाम रमजानुल मुबारक को पूरी एहतियात के साथ, पूरे हिज्म के साथ और जो बताए गए उसूल जवाबत है उनके साथ गुजारिए। आंखों पे भी पहरा बैठाइए, ख्यालों पे भी पहरा बैठाइए, सोचों को भी आवारा ना होने दीजिए, रिस्क भी पाक लीजिए और जुबान पर भी कोई ऐसा जुमला ना आने पाए जो रब की नाराजगी का सबब हो। ख्याल भी ना भटके, नजर भी ना बहके और एक एक अमल जिंदगी का खूबसूरत हो, मुनज्जम हो, मुरतब हो और उधर 30 रोजों की भूख हो और फिर नतीजा क्या होगा? मेरे रब ने वादा दिया लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें तकवे का नूर नसीब हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी एक अजीब कैफियत में ढल जाएगी अगर तुम रोजे को उसकी हकीकत के साथ गुजारोगे। मैंने जिंदगी में पहली मरतबा जब यह हदीस पढ़ी थी, यह हदीस जो मैं आज आपको सुनाने लगा हूं, तो देर तक मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी रही थी। एक ये हदीस और एक कुरान मजीद की आयत नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, वो इतकाफ के दिन थे कि तिलावत करते करते मैं जब यहां पहुंचा तो इस आयत का तर्जमा यह है कि मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं गफूर भी हूं, मैं रहीम भी हूं।
तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या कैफियत वारद हो गई, उस आयत का कोई ऐसा नूरानी अक्स पड़ा, तो मैं कुरान मजीद लेके एक एक हुजरा इतकाफ में जाता था और अजीब आंखों में आंसू और बदन पे एक राशे की सी कैफियत, और एक एक को कहता था ये तुम्हारे रब का कुरान है, कि अल्लाह फरमाता है बता दो बंदों को कि मैं गफूर भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। तो वो एक कैफियत पैदा हुई थी। बहरहाल बाद में भी बारह उसकी तिलावत थी, उसका आज तो मिलता है, लेकिन वो एक लम्हा होता है, वो एक बिजली होती है, कूदती है और गुजर जाती है। इसी तरह ये पहली मरतबा जब ये हदीस मैंने पढ़ी थी तो उस वक्त मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हुई थी, तो आज मेरे मजबून में ये हदीस दोबारा आ गई और मैं ये बारह अपने सामेईन को सुना चुका हूँ। और ये एक ऐसी वारदात थी अचानक जो सहाबा के ऊपर हुई, उनकी कल्बी वारदात, कि सहाबा खड़े थे, हुजूर अचानक तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूँ। हुजूर ने पहले तो ये बात की, ऐसे सहाबा खड़े थे, हुजूर अचानक आए और अचानक ही आते हुए हुजूर ने फरमाया क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूँ। हुजूर का अंदाज ऐसा था कि सीनों में दिल लरजने लगे और सब ने अर्ज की हुजूर हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही काल, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया ये कुरान है, इसका एक सिरा तुम्हारे रब के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। ये वो अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे रब के हाथ में है और इसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है। इसको मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। देखिए ये कैसा एक तस्वीर है इसकी मानवियत, कि अचानक हुजूर ने आके कहा गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, मतलब क्या जो मैं कहूंगा वो सच ही होगा जब तुम्हें ये गवाही है। तो उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं, क्यों नहीं हम गवाही देंगे, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो फरमाया सुनो ये कुरान जो है ये अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे रब के दस्ते कुदरत में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। इसको मजबूती से पकड़ लो, इसको छोड़ना ना। अगर तुम इसको मजबूती के साथ पकड़ोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। इस किताब को थाम लोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। गुमराही से बचने की जमानत ये किताब है, हलाकत से बचने की तदबीर ये किताब है, और अल्लाह जल्ला शानहु से बातनी रब्त का जरिया ये किताब है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैंने एक दिन अपने रब से कहा कि मालिक मुझे अपनी मोहब्बत अता कर, तो अल्लाह ने इतनी मोहब्बत अता की कि मुझे जवाल अकल का अंदेशा हो गया, कि मोहब्बत की फरावानी से कहीं जुनून ना हो जाए। तो फिर मैंने कहा मालिक मुझे अपना कुर्ब अता कर दे, मुझे मोहब्बत दी है तो अपना कुर्ब भी अता कर। तो आवाज आई मेरा कुर्ब चाहते हो तो कुरान पढ़ा करो। तो ये अल्लाह के कुर्ब